नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, ढेर सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपके हमारे सभी के साथ कनेक्टेड होती है, जिसमें हमें ये पता ही नहीं चलता है कि हम क्यों परेशान होते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि नेगेटिविटी हमारे घर में छोड़ दी जाती है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लाइफ में आगे नहीं आने देती है, आपके कोई भी काम सफल नहीं होने देती है, काम होते होते अटकने लग जाते हैं। घर के अंदर भी आप देखेंगे कि कलह बिना वजह की शुरू हो जाती है, किसी भी व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, बच्चे भी अचानक सोते सोते जैसे चमकने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, सपना देखते हैं। आपको भी कभी भयंकर सपने आते हैं, अंधेरे में डर लगता है, शरीर के अंदर बिना वजह के जैसे तकलीफ़ रहने लग जाती है, जोड़ों में दर्द रहेगा, अचानक बेचैनी, एक एनेक्साइटी रहेगी। घर के अंदर की कलह का कोई कारण ही नहीं होता है, घर के अंदर कलह शुरू हो जाती है। कितनी बार ऐसा होता है कि जो हमारे पितृ होते हैं वो भी हमें परेशान कर रहे होते हैं, तब ऐसा होता है। कभी कभी हमारे ऊपर नेगेटिविटी छोड़ दी जाती है, घर के अंदर ही जो बुरी आत्माएं हैं उनका वास हो जाता है, जिसकी वजह से ढेर सारी समस्याओं का समाधान का हमें सामना करना पड़ता है, उसका समाधान हमें जल्दी नहीं मिलता है। सर्विस में, नौकरी में, सर्विस में जहां पर भी आप जाएंगे, व्यवसाय में, हर जगह आप देखेंगे कि आपको सामने चल के जैसे परेशानी आपको घेर रही है। आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आपके अच्छे काम को कोई नोटिस नहीं कर रहा होता है। कितनी बार तो घर मकान खाली कर देने तक की नौबत आ जाती है, जब घर के अंदर आपके कोई नेगेटिविटी का वास होता है। ये नेगेटिविटी आपको शारीरिक रूप से भी बहुत परेशान करती है, व्यावसायिक रूप से भी परेशान करने लग जाती है, और पारिवारिक रूप से भी परेशान करने लग जाती है। परिवार के परिवार इसमें उजड़ जाते हैं। ढेर सारी जगह ये प्रॉब्लम मैंने देखी है। इसके सॉल्यूशंस तो बहुत हैं, काफ़ी हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी पूजाएं हैं जो करवाई जाती हैं जिससे इसका सॉल्यूशन आता है, और काफ़ी ऐसे उपाय भी मैंने बता रखे हैं अपनी चैनल में, अपनी वीडियो के अंदर, कि ये सारे उपाय आप करेंगे तो इन ये जो नेगेटिविटी है इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और यदि आपको कंप्लीट छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि कई ऐसी नेगेटिविटीज़ होती हैं जो बहुत मजबूत होती है, जो छोटे मोटे उपाय करने से नहीं जाती, आप छोटे मोटे उपाय करते रहें वो जाने वाली नहीं है। कुछ समय के लिए शांत हो जाएगी, आपको लगेगा कि कुछ समय के लिए आपको शांति मिलती है, लेकिन फिर से जो काम है वो फिर से शुरुआत उसकी हो जाती है, ऐसा होता है। तो आज जो दोस्तों मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो बहुत ही साधारण है, आपको इसको करना है रेगुलर। आप देखेंगे कि जो भी नेगेटिविटी है आपके ऊपर, जो भी काला जादू किया गया है, उन चीज़ों से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। और यदि आपको पूरा छुटकारा नहीं भी मिलता है तो आपको शांति बहुत मिल जाएगी, ये पक्की बात है। अब देखना दोस्तों, आपके घर में कहीं ना कहीं कोई ऐसा कोना होगा जो थोड़ा डार्क रहता होगा, जहाँ थोड़ा अंधेरा रहता होगा। नोटिस करना, आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ अंधेरा रहता है, जहाँ आप लोगों का आना जाना थोड़ा कम रहता हो। नेगेटिविटी ऐसी ही जगह पे रहती है, जो भी बुरी आत्माएं हैं, जो भी बुरी चीज़ें आपके घर में भेजी गई हैं, वो उसी जगह को पसंद करती है जहाँ आपका आना जाना, जिस कमरे में या घर के जिस कोने में आपका यूज़, आपका उपयोग उस कोने का कम हो रहा हो, जहाँ अंधेरा रहता हो, थोड़ा अंधेरा रहता हो, जहाँ आपका आना जाना आपके घर के अंदर कम रहता हो, जिस जगह का आप कम उपयोग करते हैं, आप लिख लें, बुरी चीज़ों का वास ऐसे ही जगह घर में हो जाता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, बहुत काफ़ी समय पहले बनाई थी,
जिसमें मैंने बताया था कि नेगेटिविटी आपके घर में कहाँ कहाँ रहती है। यदि आप घर से बाहर भी जाते हैं तो मैंने बताया था कि कभी बिस्तर को यूँ बिछा करके डाल करके ना जाएं कि बाहर से नेगेटिविटी आए और आपके घर में आराम से उसका आसरा बन जाए। घर के अंदर कोई भी कमरा ऐसा ना रखें जिसमें बिल्कुल आपका आना जाना ना हो, शमशान पड़ा रहे, जहाँ सुनसान जगह होती है वहाँ ये ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो उपाय है बहुत ही साधारण है, आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऐसी जगह है। आप खुद महसूस करते होंगे कि ऐसी जगह आपको कुछ भय भी महसूस होता होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें ऐसी जगहों में अपना स्थान बना लेती हैं और समय समय पर आपके ऊपर अटैक करती रहती हैं। तो जो भी आपके घर का कोना हो, जो भी आपके घर का ऐसा प्लेस हो जहाँ अंधेरा हो, जिसका आप कम उपयोग करते हो, वहाँ आप एक सरसों का तेल का दिया जलाएं, या तो सरसों का तेल हो या फिर तिल का तेल आप यूज़ करें। उसमें 4-5 लौंग डाल दें और उस दिए को शाम के समय, पूजा पाठ के समय, दिया बत्ती के समय आप अवश्य जलाएं रोज। जो भी कमरा आपके घर में खाली पड़ा रहता हो वहाँ, या वो जगह जहाँ अंधेरा रहता हो वहाँ आप एक दिया तिल के या सरसों के तेल का 4-5 लौंग डाल करके जलाना शुरू कर दें। आप देखेंगे आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स मिल जाएगा। शुरुआत में चीज़ थोड़ा आपको परेशान करेगी क्योंकि आप उसकी जगह पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन आप इसको कंटिन्यू करना, वो चीज़ आपके घर से भागने की पूरी पूरी कोशिश करेगी, आपका घर छोड़कर भागेगी, क्योंकि उसके रहने की जगह अब खतरे में पड़ जाती है। जहाँ भी दिया, और दिया आप अपने कुल देवी के नाम का या आप अपने इष्ट देव के नाम का जलाएं या फिर हनुमान जी के नाम का जलाएं, रिजल्ट आपको खुद देखने के लिए मिल जाएगा। कितनी जल्दी आपके काम भी होने लग जाएंगे, आपका जो दिमाग है वो भी शांत होने लग जाएगा, घर के अंदर जो नेगेटिविटी है वो बहुत जल्दी से भागेगी, जो भी नेगेटिव घटनाएं आपके घर में घट रही होंगी वो भी बहुत जल्दी होना बंद हो जाएगी, घर के अंदर प्रेम बढ़ने लग जाएगा। तो करके देखें, बहुत ही साधारण सा उपाय है, सिर्फ आपको एक दिया जलाना है आपके घर के अंधेरे कोने में और रिजल्ट आप खुद देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो करते रहें, खुश रहें। ये सब कुछ करने में कहीं कोई तकलीफ पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।